सेटिंग के साथ आपको लैंग्वेज कैसे बदलना है इंग्लिश में वो भी बताऊंगा। तो यहाँ पर जो है गेम को एड करने के लिए ऊपर जो इमलेटर में प्लस का आइकन दिख रहा है उस पर टैप करेंगे तो सारे फोल्डर जो है इस तरह से खुल जाए। जिस फोल्डर में आपका रोम फाइल हो, मेरा जो है गेम की NWI फोल्डर में है, तो उस पर जो है टैप करके जो है ओपन कर दिया। और यहाँ पर जो है इस तरह से जो रोम फाइल दिखेगा, अब यहाँ पर ओके कर देंगे। ओके करते ही जो गेम फाइल है एड हो जाएगा इस तरह से। अब यहाँ पर जो है इस पर जो है प्रेस इन होल्ड करके रखेंगे गेम पर, तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन आ जाएंगे इस तरह से। यहाँ पर जाना है गेम सेटिंग्स में, और यहाँ पर जाना है जनरल में, और यहाँ पर जो है गूगल कोर के ऑप्शन को टिक कर दीजिएगा। ओवर राइड एमुलेटेड सीपीयू क्लॉक स्पीड को भी टिक कर दीजिए। और एमुलेटेड सीपीयू क्लॉक स्पीड को मैं 100% पर रखता हूँ। आपका डिवाइस से जो है कम पावरफुल हो या फिर लैग करता है तो कम कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर ओके कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर जो है सिंक ऑन स्किप जो है स्किप आइडल जो है इसको जो है डिसेबल कर दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ से चलते हैं बैक। अब यहाँ पर ग्राफिक सेटिंग्स में जाते हैं, और यहाँ पर वीडियो बैकएंड में ओपन जीए रखता हूँ। यहाँ पर 100 FPS जो है कर देता हूँ, और यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन जो है सेलेक्ट कर दीजिएगा, और यहाँ पर टिक। और यहाँ पर जो है आपको एस्पेक्ट रेशियो को जो है स्ट्रेट टू विंडो कर दीजिए, जिससे फुल स्क्रीन में गेम जो है आपका प्ले हो, ठीक है। यहाँ से जो है जाते हैं बैक, और बैक होने के बाद जो है यहाँ पर एनहांसमेंट में चलते हैं। और यहाँ पर इंटरनल रिसोर्स को जो है मैं 2x रखता हूँ। आपका डिवाइस मेरे डिवाइस से कम पावरफुल हो या फिर गेम लैग करता है तो आप जो है कम रखिएगा, अगर ज़्यादा पावरफुल हो तो ज़्यादा भी रख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है जाना ऐसे ही सारी चीज़ें छोड़कर यहाँ पर वाइड स्क्रीन है को जो है टिक कर दीजिएगा, जिससे जो कार्स वगैरह है चौड़ा ना दिखे। और यहाँ से जाइएगा बैक, ठीक है। और बैक होने के बाद जो यहाँ पर हैक्स में जाते हैं, हैक्स में सारी चीज़ें जो भी है डिफ़ॉल्ट है ऐसे ही छोड़ दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ से जो है वो जाते हैं बैक, ठीक है। और यहाँ पर फिर से बैक। अब यहाँ पर सेटिंग से हो चुकी है। अब जो है लैंग्वेज की सेटिंग कर लेते हैं, क्योंकि आपका जो गेम है वो जो है मतलब कि ऐसे आपका जैपनीज में होगा, तो इंग्लिश में करने के लिए इस पर जो है प्रेस से होल्ड करके रखेंगे गेम पर। और यहाँ पर जाएंगे फिर से गेम सेटिंग्स में। अब यहाँ पर नीचे जाना है, यहाँ पर जाना है WII फोल्डर में, और यहाँ पर जाना है आपको सिस्टम लैंग्वेज जो है उस पर टैप करना है और इंग्लिश को सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब यहाँ से बैक होना है, फिर से बैक। अब गेम के आइकन पर टैप करके गेम को प्ले कर देना है, सिंपल सा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है प्ले कर देते हैं, और यहाँ पर जो है आप इस कंट्रोलर से भी प्ले कर सकते हैं। यहाँ पर चाहे तो स्वाइप करके जो है यहाँ पर गेम क्यू कंट्रोलर से टाइप कर कर यहाँ पर रीलोड कर देंगे। अब यहाँ पर जो है गेम क्यू के कंट्रोलर से आप प्ले कर सकते हैं इस गेम को। आप चाहे तो क्लासिक कंट्रोलर से भी इस गेम को प्ले कर सकते हैं, आप उसे वहाँ पर सेलेक्ट करेंगे तो, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ये बटन को जो है दबाएंगे तो यस हो जाएगा, ठीक है। ये बटन को दबाते जाएंगे तो ओके का काम करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है थोड़ा सा समय लगेगा यहाँ पर जो है हमारा लोडिंग। अब यहाँ पर EA का लोगो आ चुका है। अब यहाँ पर थोड़ा समय लगेगा और हमारा जो है मेनू आ जाएगा। यहाँ पर कटसीन आ चुकी है, तो यहाँ पर थोड़ा देर जो है वेट करिए या फिर ए बटन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपका जो कटसीन है स्किप हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर वेट करते हैं भाई कटसीन का, या फिर ए बटन को प्रेस करते हैं। तो यहाँ पर मैं जो है थोड़ा सा देर कर ए बटन को प्रेस कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है प्रेस करने वाला, तो यहाँ पर जो है देख सकते हैं प्रेस किया और यहाँ पर आ चुका है। फिर से ये बटन को प्रेस करेंगे, और यहाँ पर जो है आपको जो प्लस वाला है ऐसे जो है उससे आप नंबर बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और बाकी जो है बटन नहीं काम करेंगे, देख सकते हैं ऐसे। और यहाँ पर जो है 3 करके ये बटन को प्रेस कर दिया, और यहाँ पर करियर मोड को प्ले करता हूँ। यहाँ पर न्यू जो है लाइसेंस पेज जो जाना है, और यहाँ पर जो नेम जो है यहाँ पर डाल देना है, ठीक है। आप नाम डाल सकते हैं कोई भी, मैं यहाँ पर अपना नाम जो है डाल देता हूँ। तो इस तरह से नाम डालना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर जो है देख सकते हैं कि जो है 2 जो है डेटर हो चुके हैं, तीसरा है, ठीक है। और यहाँ पर जो है आप जल्दी जल्दी जो है बटन दबाएंगे तो जल्दी जल्दी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक जो है अच्छा रहा और 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पर जी डाल देते हैं, ठीक है। और एक जो है बचा है तो यहाँ पर छोड़ देते हैं, ये बटन को प्रेस कर देते हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा लोडिंग होने लगा है, तो इसके बाद जो है हमारा डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आ चुका है डायरेक्ट जो ट्यूटोरियल मिशन। तो यहाँ पर जो है इसको जो है प्ले करते हैं थोड़ा सा, और यहाँ पर जो है आर बटन को दबाना है, और दबाने के बाद जो है इसे जो पहिया वो घूमने लगेगा। और यहाँ पर जो ई बटन से जो बूस्ट करेगा तो अभी थोड़ा देर में बूस्ट जो है मैं देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है देख सकते हैं ब्राजील में शायद हो रहा है, तो यहाँ पर जो है प्ले की वजह से मुझे देना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऐसे घुमा सकते हैं आप, कहीं पर ड्रिफ्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से।
तो यहाँ पर थोड़ा मेरा जो कंट्रोल है पहली बार जो प्ले कर रहा हूँ तो अच्छा नहीं, मतलब थोड़ी देर बाद प्रैक्टिस के बाद सही होता है, तो पहली बार जो है इस तरह से इसको प्ले कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं कि भाई कार काफ़ी बढ़िया है और ग्राफिक्स भी इस गेम की काफ़ी बढ़िया है और जो रेसिंग है वो जो मैप है वो भी मुझे काफ़ी पसंद आया। यहाँ पर देख सकते हैं कि भाई सिटी के बीच में है, ठीक है, और ग्राफिक्स जो है आप जो रिसोर्स कम ज़्यादा करेंगे तो उससे जो है क्वालिटी कम ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर नया जो है कार को आप सेलेक्ट कर पाएंगे कोई भी, तो यहाँ पर कुछ जो है लॉक है तो यहाँ पर जो अनलॉक है उन्हीं को सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है देख सकते हैं कि हमारा कार जो है ये वाला सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर एस कर देता हूँ। अब यहाँ पर कलर आप सेलेक्ट कर सकते हैं कोई भी, तो यहाँ पर जो है मैं कोई और सेलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हैं तो यहाँ पर जो है रेड, मतलब यहाँ पर इसको सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, मतलब जो येलो है, और यहाँ पर पहला वाला जो है सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर पहला वाला रेस, और यहाँ पर भी पहला वाला ऑप्शन, यहाँ पर ये बटन को प्रेस करता हूँ और यहाँ पर जो है रेसिंग शुरू हो गई है। अब यहाँ पर आर बटन को दबा कर रखेंगे तो ऐसे पहिया जो है घूमने देगा, नहीं तो नहीं घूमेगा, ठीक है, यहाँ पर दबा कर रखेंगे तो ऐसे घूमते रहेगा, ठीक है, और जैसे ही छोड़ेंगे तो स्पीड पकड़ लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है देख सकते हैं आगे है एक बंदा हमारे पीछे है, ठीक है, तो देख सकते हैं कि यहाँ पर जो रेसिंग है आगे बंदा जो दो और तीन जो है उनके मत पीछा मैं पीछे करना चाहता हूँ, ठीक है, और मैंने जो है इतना प्रैक्टिस नहीं किया है तो यहाँ पर थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो यहाँ पर जो है हमारा जो है गाड़ी टक्कर जो है घुमाने में लग गई थी, तो यहाँ पर जो है रिपेयर का भी ऑप्शन है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप जो सेटिंग वगैरह मिलेगी उसको लेना तो उससे रिपेयर हो जाएगा और कई सारी चीज़ है, ठीक है। और यहाँ पर जो है थ्री जो है हमारे सामने है और टू वन, यहाँ पर थ्री को हटा दिया, ठीक है, अब यहाँ पर घूमना है और यहाँ पर जो है आगे फिर से घूमना है तो यहाँ पर नीचे जाना है, ठीक है, और यहाँ पर बूस्ट जो देख सकते हैं यहाँ पर सेटिंग था थोड़ा सा मैंने मतलब मिस कर दिया, और यहाँ पर जो है आगे बढ़ते हैं और सामने जो है यहाँ पर फिर से घूमना है और यहाँ पर काफ़ी मोड़ था और यहाँ पर मैं जितना यहाँ पर लड़ टकरा गया तो उतना बुरा नहीं फेसी है, तब भी यहाँ पर तीन नंबर पीछे था तो यहाँ पर तीन नंबर जो है आ गए, ठीक है, दो मतलब दो नंबर के पीछे था तीसरा नंबर था, अब जो है चौथा है, ठीक है, और यहाँ पर जो एक है यहाँ पर टकरा गया फिर, और यहाँ पर काफ़ी मतलब मोड़ है वो मतलब घुमाना थोड़ा ड्रिफ्ट करना मुझे इतना बढ़िया से भी नहीं है, ठीक है, उस समय प्रैक्टिस करना होगा तो ड्रिफ्ट होने लगी। यहाँ पर जो है बूस्ट लोग का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, अब यहाँ पर जो है काफ़ी देख सकते हैं मोड़, यहाँ पर जो है समझ में पहले नहीं आया कि भाई इतना मोड़ है तो काम थोड़ा ध्यान रखेंगे तो तुरंत ही मोड़ लेंगे, ठीक है, हमारा सेटिंग मिल चुकी है और यहाँ पर फिर से मोड़ देख सकते हैं काफ़ी। तो पहले ड्रिफ्ट अगर करने मतलब कर लेंगे तो शायद मोड़ लेंगे, ठीक है, और यहाँ पर जो है देख सकते हैं नंबर वन वाला जो बनता है आगे है इसी को पीछे छोड़ना पीछे छोड़ दीजिए। अब यहाँ पर जो है कुछ समय बाद रेस ख़त्म होने वाली है, सर देखते हैं वन पे नंबर वन पे बना रहता हूँ या रेस कर रहे थे और किसी पे आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो देख सकते हैं कि अभी जो है दो नंबर साथ पीछे पहले जैसे मुझे नहीं टकराऊँगा तो आगे निकल जाएंगे। तो यहाँ पर जो है देखिए रिपेयर को बोल रहा है, लेकिन यहाँ पर सेटिंग था लेकिन बगल मैं ले नहीं पाया और यहाँ पर जो है मैं पीछे हो गया दो दूसरा नंबर पर, ठीक है, तीसरा हो चुका, ठीक है, और ऊपर जो है देखते बता रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर काफ़ी बुरा मोड़ था और यहाँ पर सेटिंग मिली है और उसको ले लेते हैं और आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर जो रेस खत्म होने वाली है, ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर रेस ख़त्म हो चुकी है, ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा तीसरा नंबर है तो काफ़ी बढ़िया था तब।